पुरखों द्वारा बोला जाता है कि बेटी ही होती है दूसरे की संपत्ति, परंतु किसी भी माता पिता अपने बेटी की शादी करते हैं कि बेटी अपने ससुराल में रहकर सभी को खुश रखे और खुद भी खुश रहे। बेटी ससुराल में रहकर सास ससुर और पति के साथ में रहकर जीवन व्यतीत करे, वही नाना नानी व संधी संधन दादा दादी बने। लेकिन कुछ दिन पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी जब सुलझी तो सभी रिश्तों को तार तार करने वाली सच्चाई जानकर हतप्रत रह गए। चलिए अब आपको रिश्तों को तार तार करने वाली इस घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। विजयनगर निवासी मृतक दंपति 23 मार्च को रहमतुल्लाह एवं पत्नी ऐसु निशा अपने दामाद के घर नावाडीह गए हुए थे और अपने बेटी की बात को सुनकर ग्रामीणों की बैठक बुलाकर उनके दामाद संधी को गाली गलौज कर दामाद को भरे समाज में उठक बैठक कराई थी और जुबान काटने की धमकी भी दी गई थी, जिसे लेकर दामाद क्षुब्ध व दुखी होकर 24 मार्च को सास ससुर को जान से मारने का प्लान बनाया। 25 मार्च को मृतक एवं मृतिका बाइक से नवाडीह से अपने घर विजयनगर आ रहे थे कि हत्या के प्लान पीछे से संधी और दामाद अपने वाहन से पीछा करते चले और सूनेपन का मौका मिलते ही रास्ते में ग्राम उलिया बेदोबधान में रास्ता रोककर दोनों गैती और बसुरा से ताबड़तोड़ हमला कर मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले पर पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में जुटी थी। इसी दौरान संदेह के आधार पर निजाम अंसारी दामाद प्यारे मोहम्मद के साथ पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर हत्या करना कबूल किया। वहीं पुलिस इस हत्या के मामले में हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या था पूरा मामला? बस्ता थाना क्षेत्र के उलिया जंगल में हुई अंधे कत्ल, दोहरे अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने जो है सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। मैं इसके लिए पुलिस टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे एडिशनल एसपी श्री प्रशांत कत्लम, हमारे एसडीओपी श्री नितेश गौतम, एसडीओपी मनोज तिर्की, थाना प्रभारी श्री संपत कुटाई एवं पूरी टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही जो है तत्परता के साथ इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। हमारे पुलिस को कम समय में इस अंधे कत्ल को सुलझाने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं बताना चाहूँगा 25 तारीख को लगभग 3:15 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई जिसमें उलिया जंगल के पास कोई एक्सीडेंट हुआ है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमारी बस्ता पुलिस तत्काल तत्परता के साथ थाने से निकलकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। पहुंचने के बाद जैसे घटनास्थल को देखा, शक की सुई आगे बढ़ी, लगा ये घटनास्थल जो है एक्सीडेंट की बात नहीं कह रहा है। चोटें जो है मृतक और मृतिका जो मेघली ग्राम के निवासी थे, मृतक रहमतुल्ला एवं मृतिका ऐशु निशा जो पति पत्नी के रूप में आइडेंटिफाई हुए हैं, इनके सिर के ऊपर चोट को देखते हुए तत्काल संदेह व्यक्त करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाई गई, उनके परिजनों को बुलाया गया। उसके बाद जो है मर्ग रजिस्टर करते हुए इन्वेस्टिगेशन हत्या के रूप में ही प्रारंभ कर दी गई। जो भी सस्पेक्ट थे उनको तत्काल पकड़ करके पूछताछ की गई। प्रथम दृष्टया ये जानकारी प्राप्त हुई कि अपने दामाद के यहाँ से लौट रहे थे जो नवाडी उसमी के निवासी हैं, निजाम अंसारी उनका संधी है और प्यारे मोहम्मद दामाद है। दो दिन पहले 23 तारीख को ये उनके घर गए हुए थे, वहाँ से ये लौट रहे थे। जो घटनास्थल कह रहा था उनका सामान जो चीज़ साथ में था और जो हमको जो है हमारा साइंटिफिक इंट था उसके आधार पे हमने जो है इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया और दोनों को लेकर की जब पूछताछ प्रारंभ की गई तो दोनों ने अपराध को स्वीकार किया। दोनों आरोपियों को निजाम अंसारी और प्यारे मोहम्मद को अरेस्ट कर लिया गया है। घटना के कारण के रूप में जब पूछताछ की गई तो ये बात आई कि जो मृतक मृतका है उनकी बेटी की डिलीवरी होने वाली थी, ये वहाँ पर गए हुए थे। इससे पहले भी कई बार जो है मृतक मृतका की जो बेटी है उनके साथ मारपीट करता था,
समझौते कराने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वो बेरोजगार था, दुकान जा जा करके जो है हाट बाजारों में करता था, वो अपने आप को इनकी समझाइश को अपमान समझता था। तो बाप बेटे ने अपने को अपमान समझते हुए इस बात की जो है ठान ली कि उनको सबक सिखाने की और जो है गैती और बसला जो हथियार हैं उनसे इन्होंने जो है मारपीट करके चोटें पहुँचाई और घटना स्थल पर मौके पर जो है उनकी मृत्यु हो गई। सर इस घटना में सरगुजा संभागीय ब्यूरो आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।